दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। रिसेंटली इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट की ऑफिशियल कॉपी मैंने आपके सामने ओपन कर ली है। जहां पर बात कर लेते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ से, तो कंपनी ने क्वार्टर वन के अंदर 38,492 करोड़ रुपए की, यानी कि 38,494 करोड़ रुपीज की इनकम जनरेट करी है, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 38,112 करोड़ की थी। यानी कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की इनकम में स्लाइटली जंप हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर में कंपनी की इनकम 35,146 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इन्फोसिस ने क्वार्टर वन के अंदर 30,132 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, जहां पर क्वार्टर वन में कंपनी ने 5,945 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखेंगे क्वार्टर फोर के अंदर 6,134 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। वहीं अगर हम लास्ट ईयर के क्वार्टर वन की बात करें तो वहां पर कंपनी का प्रॉफिट 5,362 करोड़ रुपए का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम टोटल कंप्रेसिव इनकम की बात करें, सारी इनकम एडजस्ट होने के बाद में कंपनी ने 6,129 करोड़ रुपए की इनकम को यहां पर डिक्लेयर किया है। तो ओवरऑल बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है। इंफोसिस के रिजल्ट को डिटेल में एनालिसिस आज की इवनिंग की वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।